बार इस सदन से निकाला जा चुका है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो करे बगैर कुछ रहते नहीं हैं, आसन को आसन नहीं समझते, आदेश को आदेश नहीं समझते। वो भी मेरी तरफ झपटने के लिए खड़े थे, उनको भी रोका गया, हमारे साथियों के द्वारा जो पक्ष के साथी थे उनके द्वारा रोका गया। तो उनकी जो हरकत थी वो भी जो है आदेश की अवहेलना थी, आदेश की अवमानना थी, सदन की मर्यादा को भंग करने का काम वो भी कर रहे थे, तो इसीलिए उन दोनों को निकाला गया। आप कह रहे हैं बीजेपी अगर लाल डायरी थी तो लाओ बताओ, खोलो किताब, खोलो ना, खोलो किताब, बताओ उसमें क्या है क्या नहीं है, कौन सी लाल डायरी है, कौन सी पीली डायरी है, सब फैब्रिकेटेड बात है, सारी फैब्रिकेटेड बात है। बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का कहां इसमें रोल नजर आ रहा है? बीजेपी का रोल ही तो था, बीजेपी के हाथ में वो लाल वो दिख रही थी आपको, क्या था और क्या था? और जब राजेंद्र जी राठौड़ ने तो परसों ही कह दिया था सदन में कैसा ऐसा भंडाफोड़ होगा और ये ऐसा होगा वैसा होगा, सब प्लान था, सारा प्लान बनाया हुआ था ये कि किस प्रकार से सरकार को और गहलोत साहब को बदनाम किया जाए। दो बार गुड़ा जी ने सरकार बनाई बसपा से तोड़ के, निश्चित तौर पर बनाई, ऐसा क्या हो गया अचानक? निश्चित तौर पर बनाई, उस वक्त गुड़ा साहब ने पूरी मदद करी, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन उनकी तो मांगे अंधाधुंध है ना, वो ऐसे काम करवाना चाहते हैं जो संभव ही नहीं है। धारीवाल जी उन्होंने एक बयान दिया था कि अलाइनमेंट बिगड़ गया आपका, अब ठीक हो गया? इन बयानों पे मैं नहीं जाता, ये बहुत हल्के बयान है, इन हल्के बयानों पे मैं अपनी रिपोर्ट। किस तरह की मांगे थी जो गुड़ा ने? वो मांगे जिस प्रकार की थी वो मानने के काबिल नहीं थी, गैर कानूनी बातें थी, नियम के विरुद्ध थी, इसलिए नहीं मांगी गई, सीधी बात है। अब वो भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं ऐसा 100% वो विरोध के हाथों में, विरोध पक्ष के हाथों में खेल